नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो वारियालम नमो वज्जायालम नमो लोये सवसाहूलम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थम संदर्श्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्योजैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम समय सार जिंदा जिन स्याद्वाद जिन बेन मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब चैन जे झाया जहाँ गही कम कलंक दहीव नित्य निरंजन नान मैत्यो परम प्रणवीव ओम नमः। आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत है और ये सारी व्यवस्थाएं अध्रुव हैं। निश्चिंत होकर के क्यों बैठे हो? आयु घटे तेरी दिन रात है निश्चित क्यों बैठो भ्रात? हे भाई, तू निश्चिंत होकर के क्यों बैठा है? इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है और ये पर्याय छूटने पर सब कुछ छूट जाएगा। इन सारी व्यवस्थाओं का कर्म के साथ संबंध है। कर्म की स्थिति पूरी होने पर ये अलग हो जाएंगे। कोई बेटा ये सोचे हमारे पिताजी बने ही रहें, संभव नहीं है। ये हमारी प्रॉपर्टी बनी ही रहे, संभव नहीं है। ये जो व्यवस्था है वो ध्रुव नहीं है, अध्रुव है। अध्रुव पहली भावना है। इस भावना के बिना, अनित्य भावना या अध्रुव भावना के चिंतन के बिना मोक्ष मार्ग में लगना कठिन है, असंभव है। जो इन संयोगों को, पर्यायों को ही ध्रुव मान करके बैठा है वह धोखा दे रहा है अपने को। बस ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलेगा, नहीं चलेगा भैया। ये पर्याय छूटेगी, सोचो कहाँ जाओगे, क्या मिलेगा? ये पर्याय छूटेगी छूटेगी छूटेगी, कब छूटेगी तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन कब छूटेगी ये केवली के ज्ञान में है। अगर आपको केवली भगवान का संधान हो तो विचार कर लेना चाहिए, गाफिल मत हो जाओ। कछु नहीं का है, सवेरे से शाम हो गई, शाम से सवेरा हो गया, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, 20 वर्ष से 25 वर्ष, 25 से 30, 30 से 40 वर्ष चलता चला जा रहा जीवन। ये व्यवस्थाएं ध्रुव नहीं है। सोचो, विचार करो। और चिंता करने से भी कार्य सिद्धि नहीं होती, चाहने से भी कार्य सिद्धि नहीं होती, प्रार्थना से भी काम नहीं चलता, रौब से भी काम नहीं चलता, लापरवाही से भी काम नहीं चलता। फिर क्या है? तम उपायम विचिंतित। सोचो, आत्मा रहेगी और शरीर छूटेगा, आत्मा रहेगी और शरीर छूटेगा तो क्या होगा? और हमने अपने को आत्मा नहीं समझा तो क्या होगा? ये लगेगा मैं छूट रहा हूं, मेरा नाश हो रहा है, मैं मर रहा हूं।
जिसको हम कहते हैं कुमरण, बाल मरण अज्ञानते भयो अनंती बार। आत्मा तो मर नहीं सकती, अनादि अनंत है, और शरीर का संयोग हुआ है वो छूटेगा। अब शरीर छूटेगा और शरीर छूटने का मतलब शरीर पर्यंत सारी वस्तुएं छूट जाएंगी। ये घर छूट जाएगा, व्यापार छूट जाएगा, दुकान छूट जाएगी, पैसा छूट जाएगा, मित्र छूट जाएंगे, शत्रु छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा। किसके भरोसे बैठे हो? वह निश्चित भयो क्यों भ्रात। लगता नहीं है ये सही है? क्यों नहीं लगता? ये नहीं लगता कि मैं आत्मा हूं। आत्मा के आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा के आश्रय बिना ये भी सम्यक ज्ञान नहीं है कि ये अनित्य है। होगा, देखेंगे, तब देखी जाएगी, कल देखेंगे, कल की बात देखी जाएगी, सवेरे देखेंगे। अब सवेरे क्या देखोगे, शाम को क्या देखोगे? निश्चिंत होकर के क्यों बैठे हो? इतना ही चलता रहे, इतना तो नहीं चलेगा भैया। शरीर को और संयोग, अब देखो शरीर इतना ही चलता रहे अपने, और परिणाम इतना ही चलता रहे, वो नहीं सोचेंगे। बड़ी विपरीत नीति है, परिणामों की ओर हमारी नजर नहीं है, बस रूढ़ी की क्रिया में मगन है। हमने पूजा कर ली, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने पाठ कर लिया, हमने माला फेर ली, परिणाम कहाँ है ये पता नहीं है। परिणाम बिना का धर्म हो रहा है। इस संबंध ही नहीं जोड़ा, ये तो जैन दर्शन है, अद्भुत दर्शन है, जो परिणामों से धर्म को जोड़ रहा है। अगर आपका साम्य भाव है तो भैया बीमार खटिया पर पड़े हो तो भी धर्म होगा, और अगर क्रोध भाव है तो मंदिर में भी धर्म नहीं होगा। और क्रोध चल रहा है, अनंतानुबंधी क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध माने नाम नहीं सुहारा, न तत्व का नाम सुहारा, न तत्व को बताने वाले देवगुरु का नाम सुहारा, नाम ही नहीं सुहारा। हम हैं कछु बस, दिखाई नहीं दे रहा। एक अनपढ़ आदमी हो, वो आकर के देखेगा भैया स्वस्थ कैसे बैठे हो, लेकिन इन पढ़े लिखों को बिल्कुल आंखें नहीं है। और जहां प्रीति है वहां सब दिखाई देगा, ऐसा थोड़ी। उसको लगता है भैया कमजोर कैसे हो गए, इन पढ़े लिखों को बिल्कुल पता नहीं है, ये तो बस शास्त्र पढ़ रहे हैं अपने आप। हम ये पूछ रहे हैं, अगर भावों की भाषा पढ़ना नहीं जाने तो ये जिन दर्शन, भगवान तो कुछ बोलेंगे तो है नहीं, अब ये जिन दर्शन से निर्दर्शन कैसे करोगे? इस जिन दर्शन करके आप मोक्ष मार्ग कैसे सीखोगे? जिन दर्शन को मोक्ष मार्ग का निमित्त कैसे बनाओगे अगर आप मुद्रा पढ़ना नहीं जानोगे? वहां शास्त्र तो है नहीं, जो हम एक को खर्च दो। ये जिन मुद्रा बता रही है हम एक को खर्च दो, पढ़ना आपको पड़ेगा। हम फिर कह रहे भैया, ये तार के ज्ञान बौद्धिक व्यायाम हृदयहीन बना देता मनुष्यों को।
और जिस ज्ञान के साथ भाव और भावना नहीं है वो ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, सुस्त ज्ञान किसको कहेंगे आप बताओ। ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा आदत पड़ जाती है, उंगलियां चलाने की, ऐसे ऐसे चलाने की, समझाने की। इस शुष्क ज्ञान से तुम्हारे तुम दुख से नहीं छूट पाओगे, इन क्रियाओं से दुख से नहीं छूट पाओगे। अगर बुद्धि हो तो सुनो समझो विचार करो, तो फिर कैसे छूटेंगे, कैसे छूटेंगे। कल अंतिम चर्चा की थी ना, मोक्ष भी चिंता से नहीं होता। मोक्ष माने वो मोक्ष की बात बाद की है, योगियों के लिए ये योगी, तुम्हारे लिए मोक्ष की बात माने मोह से छूटना, उसका नाम मोक्ष। दृष्टि मोक्ष, असंयम से छूटना, उसका नाम मोक्ष। प्रमाद से छूटना, उसका नाम मोक्ष। कषाय से छूटना, उसका नाम मोक्ष। और फिर सर्व कर्मों से छूटना, उसका नाम मोक्ष। स्वभाव से मुक्त तो सभी जीव हैं, कोई जीव ऐसा नहीं है जो स्वभाव से ही मुक्त न हो। सबे शुद्धा शुद्ध नया, शुद्ध नय से देखें तो सर्व जीव शुद्ध हैं। अभी हम योग सार जी देख रहे थे, माया जिनवर सो है आत्मा। अब बस तुम पढ़ जाओ जिनवर सो है आत्मा, बस खत्म, कुछ लगा ही नहीं। अरे जिनवर जैसा आत्मा है तो फिर रागादिक सहित कैसे हो गया, जिनवर तो रागादिक से रहित है। प्रतिबिंब जैसा बिंब है, फोटो जैसा तुम्हारा चेहरा है, और फोटो में सींग नहीं है तो तुम्हारे कहां से आ जाएंगे। जब फोटो में सींग नहीं आए तो इसका या तो नकली होगा। वो दृष्टांत दिया था हमने आपको, एक राजा था, उसकी एक आंख किसी कारण बस चली गई। उसने एक चित्रकार से कहा हमारा चित्र बनाओ, तो एक चित्रकार ने दोनों आंखें बना दी सुंदर। उन्हें देखो भाई सुंदर तो है सच्चा नहीं है, सुंदर तो है सच्चा नहीं है। एक ने एक आंख बना दी, बोले सच्चा तो है सुंदर नहीं है, अब क्या करें। तीसरा चित्रकार था, उसने चित्र बनाया तो ऐसे संधान करते हुए चित्र बना दिया, सुंदर भी है सच्चा भी है। अरे आपको कितनी बार कहते हैं आत्मा सुंदर भी है अपना भी है, आनंदमय भी है अपना भी है। एक सामान्य आदमी को भी अपनी झोपड़ी अच्छी लगती है, दूसरे का महल नहीं। कहा लेने देने हमें, रहने तो अपनी झोपड़ी में, और अपना भी हो और महल भी हो फिर क्या पूछना। आत्मा आनंदमय भी है और अपना भी है, अनादि अनंत भी है अपना भी है। सोचो और विचार करो। छूटना माने हम ये सोचते हैं जैसे कोई कर्म से रहित होकर के सिद्धालय में ऐसे जा रहे होंगे। अरे उससे पहले बहुत प्रक्रिया होती है। हमारे यहां की संस्कृति बड़ी अद्भुत संस्कृति है विश्व में। हमारे यहां प्री वेडिंग नहीं होती, अरे देखभाल भी होती है तो गुरुजन करते हैं। सकल नहीं देख पाते थे बहुत पहले तो, अब तो बदल गया समय। यारी दोस्ती और उसमें विवाह शादी होने लगी, न जात न पंथ न कछु न कछ, ये हमारे यहां की संस्कृति नहीं है कि विवाह से पहले वो सब हो गया जो विवाह के बाद होता है। विवाह के बाद अकेला तलाक रह गया, सुर विवाह के बाद हो गया।
ये संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। हमने सुना है, हमें याद है, देखा नहीं है। एक लड़की थी, उसको देखने वाली लड़का आया और वो आया, तो वे ऊपर के कमरे में ठहर गए। पहले घरों में हो जाता था, अब तो होटलों में होता है ना, और ज्यादा पैसा हो गया तो दुबई में हो जाएगा, कहीं अजमेर में हो जाएगा, कहीं वहां हो जाएगा। पैसा कौन दान पुण्य के लिए, अन्याय के धन ने बर्बाद कर दिया देश। अरे पैसा तुम्हें पुण्य के उदय से मिला तो सदुपयोग करो भैया, दीन दुखियों का उपकार करने में लगाओ हैं, और अपने अपने भोगो उसको न्याय से। ये अध्रुव है, विनाशी है। तो वो लड़का ऊपर ठहरा दिया, अब वो लड़की नीचे नहा करके बाथरूम में से निकल रही होगी उस कमरे में। अब वो लड़का बेर बेर ऐसे देखा, लड़की का निगाह पड़ गई, उसने भी संयोग से ऐसे नीचे निगाह पड़ गई। तैयार हो गई लड़की, बातचीत हुई, भोजन परोसा, सब काम हुए, वो संगीत और फलाना और ढीका और ये और वो होता है जो कुछ इंटरव्यू, बड़ा कठिन इंटरव्यू है। लड़का बोला ठीक है, हमें पसंद है, हमें पसंद है। लड़की बोली आप हमें पसंद नहीं है, जाओ अपने घर। अजैन लड़की की आई उत्तर था, होगा 30-40 वर्ष पहले की बात, बोले आप हमें पसंद नहीं है। अब बोलो क्यों क्यों क्यों, क्या हो गया क्या हो गया? अरे विवाह के पहले ही सब कुछ करना चाहते हो तो बाद में क्या करोगे? आप हमें पसंद नहीं, टका सा उत्तर दे दिया। और इनको ऐसे ही उत्तर मिलेंगे, आज नहीं कल। खाली विवाह की बात नहीं कह रहे हम, हमारे यहां की संस्कृति अद्भुत संस्कृति है ये कह रहे हैं। आत्मा जिसका केंद्र बिंदु है वह संस्कृति हमारी है, शरीर जिसका केंद्र बिंदु है वह संस्कृति हमारी नहीं है। शरीर को ही सब कुछ समझ लेने वाले जीव सच पूछो जैन नहीं है। नाम से जैन हो गए, कुल से जैन हो गए, क्रिया से जैन हो जाओ, लेकिन भाव से जैन नहीं हो पाएगी। सच्चा जैन उसको कहते हैं जो देह दिखते भिन्न अपने को आत्मा अनुभवता है। हम ये कह रहे थे जिनवर कैसा आत्मा है, तो जिनवर में जब राग नहीं है तो हमें कैसे हो जाए इसका, और राग तो है, इसका मतलब राग भिन्न है। जिनवर में ये कपड़े नहीं है तो हमें कपड़े कहां से आ जाएंगे? कपड़े तो हैं, भिन्न है। इनको अपना मत मानना, इनसे अपनी प्रतिष्ठा मत मानना, इनसे अपना बड़प्पन मत मान ला, चाहे उल्टे सीधे पहन पहना कर सोच लिया हम बहुत बड़े आदमी हैं। अरे शालीन वस्त्र पहनो, शील के मर्यादा के अनुकूल पहनो, अपने ऋतु के अनुकूल पहनो, सर्दी गर्मी बरसात इसमें और काय के लिए वस्त्र पहने जाते बता? और अगर नहीं पहने जाते तो अभी कोट क्यों नहीं पहन रहे, और गर्मी में ये कोट क्यों नहीं पहनते, सर्दी में क्यों पहनते हो भाई? ठंड लग गई तो फिर आप समझो ना, फिर गर्मी में टाई काहे को लगा ली, गरा बंद क्यों कर दिया फिर गर्मी में, हवा न चल जाए, कछुए हैं हम इनसे ज्यादा हो गए हैं। इतिहास की तुम्हें याद है, एक क्रूर बादशाह था, लेकिन क्रूर हर समय क्रूर थोड़ा ही होता है, गोरा आदमी के भी बाल काले होते, नाखून लाल होते, गुलाबी होते,
गोरा माने पूरा गोरा तो नहीं है, वो तो मुख्यता से कथन किया जाता है। तो क्रूर बादशाह था, मौज में बैठा, उसके दरबारी लोग भी बैठे, जाने क्या भाई इस गुलाम की क्या कीमत है, इस गुलाम की क्या कीमत है, ऐसी चर्चा चल रही थी। तो बादशाह को जाने क्या मौज आ गई, बोले हमारी क्या कीमत है ये बता, हमारी क्या कीमत है। तो बढ़िया हाँ बढ़िया पोशाक थी ना उसकी, बादशाही पोशाक, उसमें सोने चांदी हीरा जो सब जड़े मुकुट वुकुट में। तो देखता रहा, हजूर बताएं, नाराज मत होना, अभय दान दो तो बता दें। अच्छा भाई बता, बोले साहब तुम्हारी कीमत इतनी है, उसने कीमत बता दी और वो बादशाह को गुस्सा आ गई, अरे इतनी तो हमारी पोशाक की कीमत है, कि पोशाक की तो कीमत है नहीं, क्रूर आदमी की क्या कीमत है, क्रूर आदमी की कोई कीमत है, कोई इज्जत है, कोई आदमी है, निर्दय आदमी, हृदयहीन आदमी, शुष्क आदमी कोई आदमी है, तुम अपने को ज्ञानी मानते हो, आदमी बन जाओ पहले। सो धम्मो जस दया, जिसके हृदय में दया परिणाम है वह धर्मात्मा हो सकता है। दया स्वयं धर्म नहीं है, व्यवहार दया, लेकिन दया परिणाम का ही धर्म के साथ सहचरपना है। निर्दयता के साथ धर्म का सहचरपना भी नहीं है, जिसका निर्दय व्यवहार है, कठोर व्यवहार है, क्रूर व्यवहार है, वह कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। जिसको जीव जीव नहीं दिखाई दे रहा कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। मान ले कि मान ले, मानने को क्या होता है, कोई पत्थर को हीरा मान ले तो मान ले। रे बाल बच्चे नकली नोटों की गड्डी को असली मान लेते, मान ले, उन्हें क्या फर्क पड़ता, आखिर धोखा तो स्वयं को है, किसी और को नहीं है। सहचरपना, इनका मित्र एक शराबी है, हो सकता है, नहीं हो सकता। शराबी इनका मित्र कैसे होगा, जिसे शराब की गंध भी पसंद नहीं है, राग का अंश भी जिसे उपाधेय नहीं है, रागी के साथ उसकी मित्रता कैसे हो सकती है, ये बता। जिसे मोह का अंश भी पसंद, मिथ्यात्वैरी का अंश भी जिसे बुरा लग रहा है, ऐसे जीव की मोहियों के साथ मित्रता कैसे होगी, कैसे अनुमोदना होगी। रुचि का प्रतीक है हमारी अनुमोदना काय की होती है, रुचि जिसकी होती है उसी की अनुमोदना हो सकती है, रुचि जिसकी नहीं है उसकी अनुमोदना भी नहीं हो सकती। भोगों की अनुमोदना, अनुमोदना कैसे हो जाएगी, ठीक है। राग भले साधक की दशा में नहीं छूट पाता निचली दशा में, लेकिन राग को उपाधेय कैसे मानेगा, और उपाधेय नहीं मानेगा तो अनुमोदना कैसे होगी, अच्छा कैसे मानेगा, अनुमोदना माने अच्छा मानना, उसे अच्छा कैसे मानेगा। अरे जिसे आत्मा आत्मा नहीं लगता उसे आश्रव आश्रव नहीं लगता, तुम्हें लग नहीं रहा कितने कर्म का आश्रव हो रहा है, कौन से कर्म का आश्रव हो रहा है। तकासी जवान अलादी बोले थे, बस खत्म, कौन ने सुनी थी, वह चुप, तुम्हें ये पता नहीं है अभी कौन से कर्म का आश्रव हो रहा है, कहां का, अरे कौन से कर्म का नहीं हो रहा है, ये सोचो। लेकिन लगता ही नहीं कोई आश्रव हो रहा है, आंखें इन आंखों से दिखाई दे तो जहां जी आ रहा है, और इन आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा कौन आ रहा है, दिखाई नहीं देता, चले चले आ रहे, आए आ रहे, बस मटक रहे हैं। जुंग में पुण्य के उदय के नशे में लगता है
रास्ता छोड़ दें। उस दिन हमको बड़ा दर्द हुआ, बूढ़ी माता जी बेचारी बस में चली आ रही, पैर में तकलीफ। एक लड़के से कहा भी बेटा जरा नेक उठ जा, जगह अब बस अपने आराम से बैठा। इस हिंदुस्तान को हो क्या गया? खड़ा नहीं हुआ, खड़े होकर के आना पड़ा। इसको कहते कर्म। उनका भी इतना कर्म उदय चाहिए, पुण्य चाहिए। हम वैसे ही नहीं कहते, आदर दोगे तो आदर होगा। सम्मान चाहना मत सीखो, सम्मान देना सीखो। त्याग करोगे तुम्हारे लिए त्याग कर सकेगा। अरे तुमने रोटी दी है तो रोटी मिली है, ये कपड़ा दिए हैं किसी को इसलिए कपड़े मिल गए पहनने को। कितने लोगों को कपड़े नहीं है, प्रियंचों में किसी को कपड़े कहां है? प्रियंचों के भी कभी कभी कपड़े हो जाते हैं, मालूम है तुम्हें? रथ पर वो बैठ चढ़ते थे, कैसी बढ़िया झूले हाथियों पर रथ पर, कहे सोने की देखिए। ये सोना आदमी को पहनने को नहीं मिला, और बैल को सोना पहनने को मिल जाए, हाथी को सोना मिल जाए। सोने की जड़ी हुई, जड़ाऊ बढ़िया। राजा साहब निकल रहे, भगवान जिनन देव निकल रहे, और तुम्हें नहीं मिले, सकल नहीं मिले। तुम्हें खाने को नहीं मिल जाए और उन्हें पहनने को मिल जाए। खाने को मतलब समझ गए, कोई वैद्य बता दे फलानी दवाई लेना, और वो महंगी स्वर्ण योग तो अरे भैया इतनी महंगी कहां कैसे काम से। अच्छा कोई बात नहीं, खाने को न मिले और उन्हें पहनने को मिल गई। त्रियंज गति में आदमी फटे पहने फिर रहा है। तुमने कपड़े दिए हैं तो कपड़े मिले हैं, रोटी दी है तो रोटी मिली है। सम्मान देना सीखो तो मिलेगा सम्मान, नहीं दोगे तो क्या करोगे? सिद्धांत है जैन दर्शन का, जीव जो करता है केवल अपने लिए करता है, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करता। उस सुजानी ने यही पूछा, हमारे लड़के का वियोग क्यों हो गया? मुन्ना से लड़के का क्या, तुमने हंस के बच्चे का वियोग कराया था, तुमने 14 घड़ी कराया था और उनको 14 वर्ष मिल गया। वियोग कराया तो वियोग हुआ, वियोग नहीं कराया तो वियोग नहीं होता। कपूर की तरह उड़ जाता है शरीर। संयोग छूटेंगे देह छूटने के साथ साथ, लेकिन बस याद रखना, छूटने से पहले छूटे हुए समझ लो। छूटने से पहले छूटे हुए समझ लोगे तो आपका समाधि मरण हो सकेगा, और छूटे हुआ नहीं समझोगे तो अर्ध ध्यान हो जाएगा। हा अब क्या करे, बेटा बेटी पैसा आत्मा याद करो, आत्मा याद करो। अध्रुव हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं, दुख के निमित्त हैं, और इन दुखों को तुझे अकेला ही भोगना है। क्यों अकेले कर रहा है तू? इसमें इनके होने में किसी का दोष नहीं है। तेरे परिणाम बिगड़ रहे, तू स्वयं बिगाड़ रहा है, कोई दूसरा नहीं बिगाड़ रहा है, इसलिए दूसरा कैसे बांटेगा? इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। मोक्ष की चिंता से मोक्ष नहीं, कोई मतलब इसका अर्थ यहां से लेना, नीचे से चलना। मोह कोई छुड़ाए तब छूटे, अरे मरे पर भी नहीं मोह छूटा। स्त्री का पति का वियोग हो गया, और स्त्री का मोह पति के प्रति अभी भी है। आज को वे होते, जरा सा कुछ बच्चा कह देता है, बहू कह देती है, कोई कुछ कह देता है, पड़ोसी के सोई आंखों में आंसू आ जाते। आज को भी होती तो काय को जवाब,
अगर मोक्ष संयोग के छूटने से छूट जाता तो बता पति का तो वियोग हुआ, मोक्ष क्यों नहीं छूटा? मोह छूटता है ज्ञानाभ्यास से। उस बुढ़िया का मोह छूट गया, लड़का नहीं जिया लेकिन मोह छूट गया, चली आई हस्ती। क्यों भाई? सरसों मिल गई कि सरसों कहां मिलती? ऐसा घर कोई नहीं है, ये जमन में आ गया, ऐसा घर कोई नहीं है जहां कोई मरण न हो। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता ही है, जिसका जन्म और मरण दोनों नहीं होते ऐसा तो शुद्ध आत्मा ही है। क्या कहा? जिसका जन्म होता है उसका मरण होता ही है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता वह तो शुद्ध आत्मा ही है। हे भाई, अगर तुझे मरना नहीं है, जन्मना नहीं है तो शुद्ध आत्मा की आराधना कर, अपने को शुद्ध आत्मा समझ, और कोई उपाय नहीं। जिनवर्षो है आत्मा, बस हो गया पाठ हमारा, पूरा हो गया। अरे का पाठ पूरा हुआ? जिनवर्ष हो आत्मा तुमने पढ़ा कहा? यह सिद्धांतिक सार, ये सिद्धांत का सार, जन भव्य निज भाव को छोड़ो मायाचार। हमें शक्ति नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, हमें याद नहीं रहता, हमारे पास समय नहीं है, सब कुछ है तुम्हारे पास, केवल रुचि नहीं है। तो ये जिन वचनों की श्रद्धा नहीं है, सब कुछ है तुम्हारे पास, समय भी है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं है। क्यों? आप संगी पंचेंद्री हैं, इसलिए बुद्धि हो गई कि नहीं हो गई? आपके पास समय है नहीं तो बैठे क्यों? कैसे बैठ गए बताओ? आप बताओ 24 घंटे में कितना काम है आपको? समय नहीं है कहते हो, झूठ बोलते हो। जब तुम्हें विकथा के लिए समय मिल सकता है तो धर्म कथा के लिए समय क्यों नहीं है? जब तुम्हें चिंता के लिए समय मिल सकता है, दुश्चिंतन के लिए समय मिल सकता है, तो तत्चिंतन के लिए समय क्यों नहीं मिल सकता? चिंता से मोह नहीं छूटेगा जी? मोह कैसे छूटेगा? मोह कैसे छूटेगा? मोह कैसे छूटेगा? बस ऐसे बैठे रहो और मोह आएगा। विषय बदल दो, अपने उपयोग का विषय बदलो। मोह कैसे छूटता है? तात्विक बात, तात्विक चर्चा सुनो। जिसके जाने बिना मोह होता है उसको जानने से ही मोह छूटता है। जिसको जाने बिना मोह होता है उसको जाने जानने पर ही मोह छूटता है, उसको जाने बिना तुम हजारों शास्त्र पढ़ना मोह नहीं छूटेगा, जंगल में चले जाना मोह नहीं छूटेगा, मोह के निमित्तों को छोड़ देना मोह नहीं छूटेगा। क्यों? ये सब मोह के निमित्त हैं, मोह के कारण नहीं है। निमित्त सच्चा कारण नहीं होता जो कार्य रूप परिणमित हो जाए, निमित्त निमित्त होता है, संयोगी कारण है, सहचर है। आप यहां से उठ जाए, चले आप घर से चले आए, मोह कहां छूटा घर का? अब जाने न वो घर खुलो छोड़े आए, घर पर कोई है नहीं, कहां मोह छूटा? और घर से कितने किलोमीटर दूर चले आए? ऐसे मोह छूटता फिर क्या नहीं था? फिर द्रव्यलिंग काय को होता, भावलिंग सबको होता। देह के प्रति मोह देह को देह की ओर देखने से नहीं छूटेगा। एक ही उत्तर है, जिसे जाने बिना मोह हुआ है उसके जाने पर ही मोह छूटता है। चिंता कर दे रहा, मोह कैसे छूटेगा? मोह कैसे छूटेगा? एक काम करो, अंधेरे में बैठ जाओ, चिंता करो, अंधेरा कैसे दूर हो, अंधेरा कैसे दूर हो, अंधेरा कैसे दूर, कैसे होगा दूर? अरे जिस प्रकाश के बिना अंधेरा हुआ है उस प्रकाश के होने पर अंधेरा मिटेगा। उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत, नियम सार जी सवेरे देख रहे थे हम,
इसमें समंत भद्र स्वामी का दृष्टांत आया मनसो व्रतनाथ की स्तुति। हे भगवान, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, सर्वज्ञ जैसा वक्ता नहीं है। वक्ता श्री सर्वज्ञ साता पीछे, और जो वक्ता आत्म लखे सो वक्ता सिर मोर। वक्ता श्री जिन देव से ता पीछे है, और जो वक्ता आत्म लखे सो वक्ता सिर मोर। हे प्रभु, हे भगवान, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है। वस्तु उत्पाद वह ध्रुव्यात्मक है, ये आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। क्या लिखा? वस्तु उत्पाद वह ध्रुव्यात्मक है, ये आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। सर्वज्ञ बिना कौन कह सकता है, कौन जान सकता है? उत्पाद वह ध्रुव्युक्तम सत्य। ये परिणति दिखाई देती है, ध्रुव कहां दिखाई देता है? और है ध्रुव यही। आभूषण दिखाई देते, सोना कहां दिखाई देता है? लेकिन शराब से पूछो है? कोई सोना स्वर्णकार, कोई शराब तो बहुत बड़ी बात। स्वर्णकार कोई अगर सोना दे करके आया, हमारा एक मुकुट बना देना, परसों तक तैयार हो जा, बड़े हो जाएगा। परसों वो पहुंचा, मुकुट बहुत सुंदर मुकुट बना, प्रसन्न हो गया। बोले, मुकुट तो बहुत सुंदर बना है, लेकिन एक बात बताओ, हमारा सोना कहाँ है? हमारा सोना कहाँ गया, ये तो बताओ। मुकुट तो बढ़िया बन गया। भैया, सोना हम नहीं खा गए, तो लो यही तो सोना है जो तुम दे गए थे, यही तो सोना है। ये सोना ही तो मुकुट रूप परिणमित हो गया, कौन जाने? और सब जानते हैं और कोई नहीं जानता। पर्यायों कोई देखते रहते हैं, लेकिन ध्रुव को नहीं देख पाते। वह आत्मा अंतरात्मा परमात्मा एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री को देखते रहते हैं, अति इंद्री को नहीं देखते, आत्मा को नहीं देखते। ये मनुष्य है, ये पशु है, ये देव है, ये त्रियंत्र है। वो देव और नारकी तो नहीं दिखाई देते, लेकिन किताब में चित्र बने होते हैं ना। किसी बच्चे से पूछो तो क्यों, मनुष्य कौन है? कि जे। त्रियंत्र कौन है? कि जे। नरक कौन है? कि जे। और देव कौन है? कि जे। चित्र में बता देगा कि नहीं बताएगा? लेकिन आत्मा कौन है? जी पता नहीं, आत्मा है जी, सब आत्मा ही तो है। और इन पर्यायों में केवल जीव के परिणामों ने पहुंचाया है। नारकी को नारकी किसने बनाया? भगवान ने, कर्म ने, पड़ोसी ने? बिल्कुल झूठी बात। नारकी को नारकी बनाया उसके परिणामों ने, बहुवारम परिग्रह। त्रियंश को त्रियंश बनाया उसकी मायाचारी रूप परिणामों ने। अगर त्रियंश माया त्रियोनस पढ़कर के सुनकर के भी अगर मायाचारी नहीं छोड़ सके तो आपको कोई लाभ नहीं हुआ। और मायाचारी उसी के रक्त से छूटेगी, जिसमें माया नहीं है उसको जानोगे तो माया छूटेगी। मायाचारी की परिभाषा पढ़ने से मायाचारी नहीं छूट जाएगी, शास्त्र पढ़ने से मायाचारी नहीं छूट जाएगी। हम कहते हैं शास्त्र पढ़ने वाले भी मायाचारी कितनी करते हैं, अब तुम जानते हो गया, अब हम क्या करें? शास्त्र पढ़ने वाले खूब मायाचारी का व्याख्यान करने वाले, और इतनी मायाचारी करते पता नहीं पड़ता। कभी कभी तो सामान्य ग्रस्त कहने लगे, इनसे तो हम ही अच्छे। ऊपर ऊपर से अकर्ता माने, भीतर में कर्तत्व का अहंकार पड़ा है। मायाचारी नहीं है तो क्या है? गुप्त पाप को माया कहते हैं। भगवान के सामने क्षुधा रोग विनाश ना कहे, और डॉक्टर के पास कहे
ऐसी दवाई दे जो भूख लगे। भूखा लगे, भूखा लगे। अरे भाई सोचो, विचार करो, एक क्षण भी ये जीव आत्मा समझता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। जब तुम्हें मोह कर्म के उदय में मोह उत्पन्न हो तब तुम ये सोचो इसे छूटे कैसे। अरे एक पक्षी भी, तोता भी ये सोचता है कि जाओ ये छूटे कैसे। वो तुमने सुना होगा, सेठ जी का तोता और पंडित जी आए थे कथा वाचन करने। तोता ने कहा कहाँ गए थे, पंडित जी आए हैं कथा वाचन करने, बढ़िया कथा वाचते हैं। बोले एक प्रश्न हमारा भी पूछाना, छूटे कैसे। अब सेठ जी रोज तो जाते नहीं थे स्वाध्याय में, सो झिझक भी थी, संकोच भी था। तोता ने फिर दूसरे दिन का पूछा है, अरे अब कल पूछे ही आएंगे, देखते हैं। कथा के बाद जब भीड़ छट गई, आकर के पंडित जी के पास बैठ गए। सेठ जी बोले पंडित जी बोलो, हमारे घर एक तोता है। बोल तो का बात बोलो। वो तोता ये पूछता है, पंडित जी से पूछाना छूटे कैसे, पंडित जी से ये पूछ के आना छूटे कैसे। अब तोता को तो कैसे समझाएं। तो पंडित जी एकदम गिर गए और बस। और सेठ जी ने कही ये कौन सी आफत आई, चलो भगवान। उन्होंने बता दिया, अरे भाई मुद्रा से बताएंगे, शब्दों से क्या बताएं। सेठ जी जल्दी जल्दी अपन सोटा लेकर पहुंच गए। तोता ने पूछा क्यों पूछा, अरे कहा पूछा है, ऐसे प्रश्न पूछ रहा। तो पंडित जी मरे से हो गए, मरे से हो गए। पंडित जी कहा को मरे थे, वो तो उठ गए थे। उत्तर देना था पंडित जी को, और सवेरे देखा तो तोता भी मरा, मरा सा हो गया। सेठ जी ने खूब बुलाया, पानी डाला, और जो उसको अच्छी अच्छी चीजें लगती थी वो सब खाने को डाली, तोता नहीं उठा। अरे तोता तो ऐसा लगता शोक में मर ही गया, शोक में नहीं मर गया, ज्ञान में मरा सा हो गया। तोता उठा, पंडित वो सेठ जी ने तोता बाहर निकाला उस पिंजरे से, और तोता फुर। कहा कर रहे कहां जा रहे, कहां जा रहे, के बस छूटने का उपाय मिल गया। अगर छूटना है तो मरे से हो जाओ, बिना काम के हो जाओ, जब तक तुम काम के रहोगे तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे लोग। अगर बिना काम के हो जाए तो क्या कहें, बच्चे भी इंतजार करने लगते हैं भैया। और काम के हो, थोड़ा बहुत भी काम हो, निगरानी करते रहे हो, तो अब ये देखते हैं भैया बैठे रहे परे रहे। ऐसी दशा है संसार की। जब तुम्हें इच्छा उत्पन्न हो छूटे कैसे, क्रोध उत्पन्न हो छूटे कैसे, ये क्रोध मन उत्पन्न हो छूटे कैसे, लोभ उत्पन्न हो छूटे कैसे, छूटे कैसे में जियो, उसका नाम मोक्ष मार्ग। और पूर्ति कैसे होती है, इसका नाम है संसार मार्ग। ये हमारा प्रमाद छूटे कैसे, ये हमारा अहंकार छूटे कैसे, और जहां चाह है वहां राह है। अगर तुमने कमर ईमानदारी के भीतर से एहसास किया और छोड़ने की भावना भाई, तो सच्ची भावना फलती ही है, और नहीं तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। भगवान भगवान नहीं बन पाए अगर भावना पूरी ना हो तो। लेकिन भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है, भावना चिंता से नहीं, विपरीत मार्ग में चलने से नहीं।
हे भाई, मोक्ष की चिंता से भी मोक्ष नहीं होता। आगे प्रश्न करो कल की तरह, तो फिर मोक्ष कैसे होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चार से मुक्त होता है, तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? इन सब का विषय क्या है? हे, जे नमक से मीठा नहीं होता दूध, तो कैसे मीठा होता है? क्या बूरा ले आओ, शक्कर ले आओ, गुड़ ले आओ, उससे मीठा होगा? अच्छा, मां गुड़ कहाँ है? गुड़ दे दे। क्यों? दूध मीठा नमक से तो होगा नहीं, दूध तो मीठा गुड़ से ही होगा, गुड़ दे दी हमको। प्रभु हमें शुद्धात्मा बताओ। वह शुद्धात्मा कौन है? जिसके जानने मात्र से, अवलोकन मात्र से, अनुभवन मात्र से दर्शन मोह का अभाव होता है, और जिसमें लीन होने से चारित्र मोह का भी अभाव हो जाता है, और जी परम मोक्ष दशा को प्राप्त करता है, वह शुद्धात्मा बताओ। आत्मा को, आत्मज्ञान के बिना या आत्मा को जाने बिना जितनी भी चिंता कर रहा है, जितने भी विकल्प कर रहा है, सब झूठे। छूटने का एक ही उपाय है, ये व्यवहार बदलने का एक ही उपाय है। अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को भी आत्मा समझो। अगर जिस दिन ये समझ जाओगे, कभी किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर पाओगे, और तुम अपने को बड़ा समझ बैठे और दूसरे को हीन समझ बैठे, तो अहंकार में चढ़े रहोगे, दुर्व्यवहार करोगे। और अगर तुम अपने को हीन मान बैठे और सामने वाले को बड़ा मान लिए, तो दीनता कर बैठोगे, गिड़गिड़ाओगे, गुलामी करोगे, स्वाभिमान नहीं होगा। स्व को जाने बिना स्वाभिमान आएगा कहां से? स्वाभिमान में से स्व निकाल दें तो अभिमान बचता है। ऐसे जैसे स्व का ज्ञान नहीं, उसे अभिमान होता है, स्वाभिमान नहीं होता। उसे नाम तुम स्वाभिमान का दे दो, हमें क्या करें? विचारना। ओम नमः। दोपहर को कर लो भाई, फिर जे निकलेंगे कर लो, कर लो। क्या बजे ठीक रहेगा? 2 बजे आओ, 2 बजे आ जाओ, 2:15 बजे स्वाध्याय हो जाएगा, 10 मिनट में पाठ हो लेगा, तैयार हो जाओ। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे, या वाणी के ज्ञान ते सुबे हो, सुवाणी मस्तक नमो सदा गीतम।